गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास में एरिक्सन के जो मनोसामाजिक विकास के जो स्तर है उसकी जो अंतिम जो सातवीं और आठवीं अवस्था है उसको हम समझेंगे, जो कि है मध्यवयस्कता एवं परिपक्वता। मध्यवयस्कता और परिपक्वता एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की सातवीं और आठवीं अवस्था के तौर पर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मध्यवयस्कता। मध्यवयस्कता इस उम्र को कहा जाता है उत्पादकता विपरीत ठहराव। ठीक है, यह अवस्था है 30 से 60 वर्ष। एरिक्सन की मध्यवयस्कता 30 से 60 वर्ष की अवस्था होती है जिसको उत्पादकता विपरीत ठहराव कहा जाता है। इस अवस्था में मनुष्य अपने पारिवारिक जीवन में होता है और उस पारिवारिक जीवन में अपने वो उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। ठीक है, इस अवस्था में हम ये देखेंगे कि वो जब अपने पारिवारिक जीवन का करता है तो उसकी अपनी संतान होती है और उसकी वो देखभाल करता है और उसको साथ अपना समय बिताता है, यानी परिवार के साथ और अपने संतान के साथ अपना समय बिताता है। इसलिए हम इस अवस्था में कहेंगे कि इस अवस्था में मध्यवयस्कता में वह चाहता है कि उसके जो आदर्श होते हैं, यानी उसने जीवन में जो कमाया है, अपने आदर्श होते हैं जिससे उसकी पहचान बनती है, वो पहचान उसकी संतान में आवे, यानी कि उसके बच्चों में वो भाव देखने को मिले और वह आदर्श देखने को मिले। तो मनुष्य अपने जीवन के आदर्शों को अपने संतान में देखना चाहता है, इसलिए ये अवस्था भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह अपने द्वारा किए गए आदर्श कार्य को अपने संतानों में देखने को पाता है। साथ ही वो क्या करता है, मार्गदर्शन। इस अवस्था में मनुष्य मार्गदर्शन करता है अपनी पीढ़ी को, यानी कि अपनी भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है, अच्छी राह पर लेके जाता है, वह आदतें सिखाते हैं, वह गुण सिखाता है जिससे जीवन में वह अपनी पहचान बना सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस अवस्था को समझ लें। ठीक है, तो वह स्वीकार करता है कि जो भावी पीढ़ी है आदर्शों को, भावी पीढ़ी आदर्शों को स्वीकार कर, आईपी आदर्शों को स्वीकार कर अपने उत्तरदायित्व का पूरा करें। ठीक है, इस पीढ़ी के इस अवस्था में देखते हैं कि जो भावी पीढ़ी को क्या करना है, उस आदर्श को स्वीकार करना और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। साथ ही साथ अब हम इस समय समझेंगे उत्पादकता के सदाचार गुण। भावी पीढ़ी जब आदर्शों का निर्वाह कर लेती है तो इससे उत्पादकता के सदाचार गुणों का निर्माण हो जाता है और जो मध्यवयस्कता जिस के लिए है वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि उद्देश्य यही है कि किस तरह से मार्गदर्शन करके अच्छे आदर्शों का उसमें निर्वाह करना, उसको पहुंचाना। अब इसके हम देखते हैं अगली पीढ़ी आदर्शों को स्वीकार नहीं करती, यदि अगली पीढ़ी आदर्श को स्वीकार नहीं करती तथा वह अपने उत्तरदायित्वों का
वह अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ढंग से नहीं कर पाता तो ठहराव होता है। तो इसमें जो बताया गया उत्पादक रिपीट ठहराव, ठीक है, तो जरूरी है कि वो अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करे और भावी पीढ़ी है वो क्या करे, आदर्शों को स्वीकार करे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, भावी पीढ़ी आदर्श स्वीकार नहीं कर पाती है, अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह ढंग से नहीं कर पाती है, तो उत्पादकता रिपीट जो ठहराव है उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमने एरिक्सन के जो मध्यवयस्कता है उसको समझा। अब इनकी जो अंतिम और आठवीं व्यवस्था है वो हम जान लेते हैं, जो कि है परिपक्वता। इसको कहा जाता है सम्मिश्रता विपरीत आशा, सन्निष्ठता विपरीत आशा, ये इनकी आठवीं अवस्था है। इस अवस्था को जैसा कि हमने जाना कि यह कब चलती है, 65 प्लस, यानी कि 65 वर्ष से यह अवस्था प्रारंभ होती है, जो जीवन के अंत तक यह अवस्था चलती है। अब इस अवस्था में मनुष्य जब उम्र में हो जाता है तो वो अपने द्वारा सबसे पहले तो उसको अब मृत्यु का भय सताने लगता है, उसको पता हो जाता है कि भाई अब उसका जीवन कभी समाप्त हो जाता है, क्योंकि 65 वर्ष के बाद जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कभी भी नहीं। लेकिन 65 वर्ष के बाद बॉडी थोड़ी कमजोर हो जाती है, उसको आ जाता है, पहली चीज जाती है। दूसरी बात, वो अपने द्वारा जीवन में किए हुए अपने कार्यों को सोचता है और जानता है, और ये सोचने का प्रयास करता है कि उसने जो कार्य किए वो कितने सही है और कितने किससे किस तरीके से उसकी जीवन में पहचान बनती है, यानी कि अपने द्वारा किए गए कार्य को वो अब इस अवस्था में विस्मरण या सोचने लगता है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कार्यों को देखता है, कार्यों को देखता है, परिणाम निकालता है, परिणाम अनुकूल है तो जीवन को सार्थक समझता है, ठीक है ना। जीवन को सार्थक कब, जब उसके द्वारा किए गए कार्य परिणाम उसके अनुकूल हो। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, प्रसन्नता होती है, सहिष्णुता की भावना का विकास होता है, ठीक है। अपने द्वारा किए गए कार्य अगर सार्थक होंगे तो उसको क्या होगी, उसको प्रसन्नता होगी, और इसी प्रसन्नता के फलस्वरूप उस पर सहिष्णुता की भावनाओं का विकास होता है। अब इसको हम देखते हैं इसके विपरीत ही, यदि व्यक्ति को जीवन में अपने किए गए कार्य सार्थक नहीं लगते हैं या उसको ऐसा लगता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य इतने विशेष नहीं रहे जिसके होने चाहिए, तो इसके विपरीत उसमें आशाहीनता आ जाती है, और इसी आशाहीनता के कारण सहिष्णुता विपरीत आशाहीनता उत्पन्न होती है, उसको अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। तो इस तरीके से हम इस परिपक्वता में जाना कि किस तरीके से वो अपने जीवन के किए गए कार्यों को
देखता है और उससे अपने जीवन को सार्थक समझता है अगर अनुकूल हो और सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सहिष्णुता विपरीत आशाहीनता आ जाती है। तो इस तरह से हमने एरिक्सन के मध्यस्थता को और परिपक्वता को जाना। अब इसके रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, एरिक्सन के अनुसामाजिक विकास के स्तर में मध्य व्यस्तता एवं परिपक्वता को एरिक्सन का जो हमने सिद्धांत जाना, इसके अंदर मध्यस्थता और परिपक्वता क्या है इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट इस कोविड के समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी, घर रहना सुरक्षित रहना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। थैंक यू।